हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोगों ने उत्तराखंड में ब्लॉग शुरू किया है और कल हम लोग आए थे यहाँ पे सिमरन के बर्थडे के लिए, जो कि हमने नाइट में बर्थडे मनाया। और अभी हम लोगों के घर जाने की तैयारियाँ हो रही हैं और यहाँ का मौसम कुछ इस तरीके का है। पीछे इतना अच्छा व्यू आ रहा कि पूरे पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। और आज दिवाली है, आज 24 अक्टूबर, तो आज हम लोग दिवाली मनाएंगे और डीजे वगैरह लगाएंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी आ चुके हम स्कूल, पीछे देख रहे हैं आप, ये है प्राइमरी स्कूल उत्तराखंड का कालो का, जो कि इस प्रकार से यहाँ से 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। और उधर उस साइड इंटर कॉलेज है, जहाँ से 6 से 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। और ये रहा बजवाड़ बोलते हैं इसे, ये पूरा कालो बजवाड़ है पूरा। तो हम लोग उत्तराखंड में आ चुके, जो लोग बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए ये ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। हम नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत कुछ आपको दिखाने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में, नई नई जगहों में जाएंगे, जो यहाँ पे बेस्ट प्लेस हैं वहाँ पे हम लोग आपको दिखाएंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कितनी ढलान वाली सड़क है, इसमें दो यहाँ पे ऐसे डेंजर मोड है, किसी से भी पूछेंगे आप, ये कालो बजवाड़ की सड़क गई हुई है यहाँ से, ये माथोली और थैलीसैंड के लिए ये वाली सड़क निकल जाती है यहाँ से। तो ये बहुत खतरनाक मोड है, मैं दिखाता हूँ आपको आगे कि जहाँ से मतलब कि अगर ओवरलोड ट्रक वगैरह आता है तो ऊपर चढ़ने में भी दिक्कत होती है। यहाँ पे पूरी सड़क ऐसी है, पूरी चढ़ाई है, मतलब यहाँ पे दो मोड़ हैं और आगे एक कलगिडी बोलते हैं, जहाँ से वहाँ से ऊपर आने के लिए, वहाँ से भी देखा कुछ तूने कितना मतलब गाड़ी वगैरह जो होती है पूरी चढ़ाई पे, कईयों के तो वहाँ पे ब्रेक फेल हो जाते हैं, ऐसे डेंजर सड़क है यहाँ की। अभी देखो, ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आदमी चला जो अनट्रेन होता है यहाँ पे, हम लोगों को तो आदत पड़ चुकी है कि यहाँ पे कैसे चलना, हाथ छोड़ के एक हाथ से या हाथ छोड़ के भी चला लेते। ये देखिए, ये कहाँ को खींची जा, बाइक जो है सीधा उधर निकलती है। ये देखो कैसा मोड़ है पूरा, देख के डर लगता है इसको देख के, अगर नीचे से कोई आएगा तो ब्रेक तो नामुमकिन है कि जो कि लगेंगे ऊपर से आ रहा होगा जो बंदा, और नीचे वाले का तो ये अगर रुक गया गलती से बैक हो गया तो बैक ही चला जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में जो घूमने का मजा है वो आपको कहीं नहीं मिला, जो सुकून आ रहा है। आज तक देखो मेरी ड्यूटी चल रही थी, अब दिवाली के लिए घर पे आए हम लोग, तो इतना सुकून आ रहा है, देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली, एकदम मस्त व्यू आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब यहीं पे घर बनवा लूं अपना, यहाँ से पूरा पहाड़ वगैरह देखे हम लोग और अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखो ये वाला मोड़ है, देखो पूरा, ये देखो कैसे घूमा हुआ पूरा, देख रहे हैं आप लोग, देखो पूरा ब्रेक जो है पीछे वाला पूरा दबा के तब मोड़ना पड़ रहा है वाला, तब जाके भी रुक नहीं रही है, तब भी चल रही है पूरा दबाने के बाद। ये देखो पूरी ढलान है यहाँ पे, जो नीचे को गाड़ी हम लोग ऑफ करके चला रहे हैं, इसमें पेट्रोल वगैरह की बचत तो होती है। ये क्या है, उत्तराखंड में अगर आप आए हो ऊपर को तो गाड़ी स्टार्ट आएगी, लेकिन नीचे को जो है ना गाड़ी ऑफ करके चला, तेल की एकदम बचत है यहाँ पे। देखो पूरा उधर दिखाना सुमित, उधर देखिए उधर और सड़क पूरी बन रही है, यहाँ पे नई सड़क की खुदाई हो रखी है, उधर अभी सड़क बन रही है, तो यहाँ से शॉर्टकट जाने के लिए पता नहीं वो सड़क अभी कहाँ जा रही है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ये रहा देखो पूरा नदी का नीचे का नज़ारा, और फिर यहाँ से आए खतरनाक मोड़, ये देखिए कितना डेंजर मोड़ है। ये रही चट्टान, बारिश के टाइम पे क्या होता है, ये वाली चट्टान जो दिखाई दे रही है, इस चट्टान से जो है ना, जैसे ये बारिश मूसलाधार बारिश जो बोलते हो उत्तराखंड में सबसे खतरनाक होती है, उससे चट्टाने वगैरह खिसकने का डर होता है, तो ये जो चट्टाने हैं ना ये सारी सड़क में आ जाती है, ये सड़क ब्लॉक कर देती है, ये जो चट्टाने हैं मूसलाधार बारिश से वो खिसकने लगती हैं। यहाँ पे देखो चट्टानी चट्टाने, जो लोग बाहर से देख रहे होंगे उन लोगों को लग रहा होगा क्या सुकून है, सुकून तो है यहाँ पे, देखो एकदम ठंडा, अभी ठंडा लग रहा है, मैंने मतलब पहन नहीं रखे क्योंकि मैं दीदी के यहाँ गया था तो स्वेटर वगैरह लाना डालना भूल गया, नहीं तो अभी इतना, सुमित को देखा होगा आपने भी वीडियो में, तो सुमित ने क्या है जैकेट डाल रखी है। यहाँ पे इतना ठंड है ना, अभी मैं दिल्ली से निकला हूँ तो दिल्ली में अभी तक एसी तो बंद ही करने की वो चल ही रही है, एसी बंद अभी किसी ने किया नहीं है, हम लोग जब वहाँ पे थे अभी कूलर एसी ऐसी चल रही है वहाँ पे, अभी कोई इतनी गर्मी हो रही है वहाँ पे, और यहाँ पे देखो इतना सुकून है कि आज भी स्वेटर डाल के चल रहा है यहाँ पे। ये देखो पूरा हरियाली हरियाली, क्या पहाड़ है, इतना मजा आ रहा है घूमने में, दोनों को दोनों निकले हुए हैं, कल रात को निकले, कल रात का वीडियो नहीं बना पा क्योंकि किसी ने हमें डरा दिया था यहाँ पे, बोले कि कोई मतलब एक्सपायर हो गया वगैरह वगैरह जो भी था,
तो हम लोगों को थोड़ा सा डर लगता ही यार, आज को बोले डराने आ रहा, ईंटें पत्थर, उत्तराखंड में अफवाहें ऐसे फैलती रहती है पहले की, एक तरह से डर भी लगता है, छोटा बच्चा मेरे साथ था मैं, यार कहीं कुछ ना हो जाए, तो हम लोग आधी रात में निकले वहाँ से और हम लोग घर के लिए वापस निकले, तो हम लोग उस समय ब्लॉग शूट कर नहीं कर पाए, ये चुपचाप पीछे बैठा हुआ था, हम दोनों चले जा रहे थे और इतनी तेज से आए ना, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, कम से कम इस वाली सड़क पे हम लोग रहेंगे 100 की स्पीड रहेंगे दोनों, क्योंकि रात के टाइम पे यहाँ से 6-7 बजे के बाद एक भी गाड़ी नहीं निकलती है, अभी भी देख रहे हो पूरी गाड़ी खाली है, एक भी गाड़ी यहाँ पे चल नहीं रही है, आती है एक आधी आती है बस, वैसे आती है होती नहीं है, लेकिन मोड़ों पर हॉर्न दे के ही नीचे से जो गाड़ी आती है हॉर्न दे के आती हूँ, और इन लोगों को आइडिया होता है, वो कट मार के निकल भी जाते हैं, इसमें दो गाड़ी निकाल लेते हैं लोग, हम लोगों को बोला जाए तो हम लोग शहर में चलाने वाले, हम लोगों को एकदम खुली सड़क मिलती है, किलोमीटर के हिसाब से पूरा दिखाई देता है, ये देखो पूरा पहाड़ कटा हुआ, देखो उधर ईंटें वगैरह हैं, देखो पूरे चट्टान पत्थर वगैरह को पूरा चट्टान बना हुआ है, ये भी पूरी चट्टान है, देखो हरियाली चारों तरफ, एकदम सुकून, यहाँ पे इतना ठंडा लग रहा है, मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं पाऊंगा कि कितना ज़्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ पे, एकदम जैसे ऐसा नहीं लग रहा सुमित जैसे एसी की हवा आ रही होगी आगे से, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सीधा आगे सीधे नहीं चल पा रहे, आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसी वीडियो मैं आप तक लेके आऊंगा, और कुछ अगर आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उनका आंसर जहां तक हो सके मैं देने की कोशिश करूंगा आप लोगों का, और प्लीज यार जल्दी से यार कम से कम 1K तो सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो हमारे, अभी 1K भी नहीं हुए, 650 सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों के लिए काम करने का मन है मेरा, बहुत अच्छे से वीडियो बनाने के आपने 100% देने की कोशिश करता हूं, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, आगे दिखाऊंगा वहां से देखो पूरी चट्टान है, ये रहा पूरा नज़ारा यहां से, पूरा पहाड़ के उधर श्रीनगर हो गया, ये पौड़ी हो गया उस साइड का, ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, और हम इधर से कट जाएंगे, इस पहाड़ी के पीछे हम लोगों का घर है, यहाँ से पीछे की तरफ चलेंगे, जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है ना इसका झाड़ू भी बन गया, जो सुकून यहाँ घूमने में है वो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, इतना अच्छा मतलब लग रहा है यहाँ पे आके, एकदम एक तो ठंडा ठंडा मौसम, कोई गर्मी नहीं और धूप भी हल्की हल्की है, मतलब धूप सेकने में भी मजा आ रहा है, एक कैसा लग रहा है कि हाँ कहीं हम लोग घूमने निकले, हम दोनों कल 4 बजे से निकले पड़े हुए हैं आराम से घूमने के लिए, एकदम अच्छा लग रहा है, ये देखो पूरी जो सड़क गई हुई है एकदम कैसे एकदम नीचे को गई है, उधर से एकदम ऐसी सड़क है, देखो जो बाहर लोग रहते हैं दिल्ली मुंबई उनके लिए इस ब्लॉग में कुछ देखने के लिए नया मिल रहा होगा, आज तक किसी ब्लॉगर ने आपको इतनी डिटेल और इतनी अच्छे से मतलब उत्तराखंड के सड़कों को, और हाँ मैं रहता हूँ जिस इलाके के मैं रहता हूँ मतलब, तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है आप लोगों को क्या पसंद आता है क्या नहीं आता कमेंट बॉक्स में बताओ, उस हिसाब से मैं अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और वो ये सब ब्लॉग में बनाने 100% अपना देने की कोशिश करूंगा, अभी घर से हम लोग काफी दूर हैं, दोस्तों को फोन आए जा रहे हैं कि भाई जल्दी आ, आज पार्टी करनी है, अपना जो डीजे का सेट बुकिंग पे, तो वहाँ पे वायरिंग वगैरह किसी दूसरे
जो बुकिंग में लेके गया था उसके पास है, क्योंकि किसी ने मांगा हुआ था, जो अपना सेटअप था वो किसी ने मांगा हुआ था तो मैंने दे रखा था। उसमें वायरिंग वगैरह लाइटिंग वगैरह कुछ रह गई हैं, वो हम लोगों को लेके फिर उसके बाद आज 4 बजे के टाइम पे मैं वीडियो शूट करके वो डाल दूंगा इस किसी वीडियो में। तो वीडियो शायद लॉन्ग हो जाए तो प्लीज़ पूरी देखने की कोशिश करना, हम लोग मतलब पूरी इस ब्लॉग में पूरा आपको दिखाएंगे उसके बारे में। शायद आगे से गाड़ी आ रही और अंतर आई है कहीं से, बाइक आ रही। तो ऐसे यहाँ पे देखो जैसे बाइक वाला आ रहा है ना, मेरे को पहले पता चल गया था क्योंकि उसने दूर से हॉर्न मार लिया था। तो हम लोग क्या उसमें सतर्क हो जाते हैं पहले कि कुछ गाड़ियाँ आ रही है। देखो भैया जैसे कि हॉर्न मारते हुए आए जा रहे हैं आगे, तो हम लोगों को पता चल गया था पहले कि कोई आ रहा है आगे से। गाड़ी अगर बड़ी होती तो हम लोग साइड लगा लेते या फिर निकालने की कोशिश कर लेते कि साइड से निकल जाए अगर जगह मिलती तो, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं डालते। मिस्टेक नहीं करनी, अगर मिस्टेक अगर हो गई हमसे तो सीधा जान जा सकती है, इतना खतरा बना हुआ रहता है। खास करके ब्लॉगर को तो आप जानते ही हो, उनका तो होता है वीडियो शूट करने के चक्कर में वीडियो पे ध्यान गया, ब्लॉग बन गया अच्छा वाला, माय लास्ट ब्लॉग। तो इसलिए ध्यान देना जरूरी है, गाड़ी चला ब्लॉग वगैरह में हो जाता हूँ माई लास्ट ब्लॉग कैसे है आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गई हुई इधर से सड़क देखो, पूरी ढलान है, फिर वहां से एकदम ढलान है, फिर ये गई सड़क उधर मिलती है। तो यहाँ पे इतना डेंजर ये मोड़ है ना कि कुछ अगर ब्रेक भी फेल हो जाता रुकने का कहीं चांस नहीं है। ये देखो कितना वो है, इसलिए मैंने इस ब्लॉग में बताया था कि बाहर का ड्राइवर ना ही लो, मतलब जिसको एक्सपीरियंस हो उसी को लेके आओ बाहर, नहीं तो लोकल का ड्राइवर कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि देख लो सड़कों का ये हाल है यहाँ पे, और सिंगल वे है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने हाईवे वगैरह में देखा है एक साइड एक लेन एक साइड के लिए, एक लेन एक साइड के लिए होता है। तो ये देखो ऐसा होता है यहाँ पे, सिंगल लेन है, इसी में दो गाड़ियों को चलना रहता है, और एक साइड ये है एक साइड ये है, इधर भी नहीं जा सकते इधर भी नहीं जा, इधर जाओगे तो जाओगे ही ऊपर गए तो उधर ठुकना ही ठुकना है। ये है देखो सड़कों का, अब देखो ये पूरी ढलान आ गई यहाँ से, ये पूरा घूम है देखो, ऐसे अंधे मोड़ होते हैं। ये देखो गाड़ी चल रही है हमारी, छोटी छोटी गाय होती है उत्तराखंड में, ये देखो इसको अब भरोसा नहीं लग रहा, मार भी सकता है। ये देखो ये होते हैं छोटी छोटी गाय, और वहाँ पे होती एकदम बड़ी बड़ी, दूध भी ज़्यादा नहीं देती हैं, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे ही होता है बस, यहाँ पे उधर से ज़्यादा देते नहीं है। हरियाली देखो चारों तरफ, क्योंकि ये अगर हम लोग बाहर की गाय लेके आएंगे ना तो बाहर की गाय यहाँ पे हो नहीं सकती। उधर देखो नदी का क्या मस्त व्यू आ रहा है, देखो झरना भी बन रहा है वहाँ पे, देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये रही उसकी बड़ी नदी, ये पूरी बड़ी नदी गई सारा पानी जैसे, अभी ये नवरात्रि वगैरह के टाइम पे काफ़ी बारिश हुई है तो उस टाइम पे ये घूम गया। ये देखो पूरा कैसा घूमा हुआ मोड़ है, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है, उधर से आए थे वो पहाड़ी तो दिखाई बिना देरी जहाँ से हम लोग आए थे, क्या अच्छा नज़ारा है ना देखो चारों तरफ का एकदम ग्रीन ग्रीन अच्छा एकदम। लेकिन एक चीज़ है यहाँ, अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे बहुत दूर दूर दुकान है, जो भी है सामान अपने बैग में भर लो, खाने पीने का जो सामान है, अगर घूमने निकलना है तो हो सकता है आपको पानी तो हर जगह मिल जाएगा। ये पानी भी जो है साफ एकदम, उसमें देखो कुछ गंदगी नहीं है ठीक, पर वो जैसे खाने पीने का सामान है वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, दुकानें वगैरह एक दो हैं वहाँ पर छोटे छोटे हैं, यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है बोलने का मतलब, जैसे शहरों में होता है बहुत भीड़ भाड़। ये देखो कितना वैसा मोड़ है, देखो जैसे होता ना शहरों में थोड़े से आधे किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर जाओ तो दुकानें वगैरह मिल जाती हैं हमें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत दूर दूर दुकानें हैं, और हो सकता है जो सामान आप ढूंढ रहे हो नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है वो चीज़ ये लोग ना मंगवाते नहीं हैं। यहाँ पे हम लोगों के जो यूज का सामान होता है बाहर से ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आज का ब्लॉग हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ से बाइक स्टार्ट करके हम लोग इस लेन में चलेंगे, वहाँ से आपको मंदिर का व्यू दिखाएंगे, वहाँ पे शंकर जी की एक बड़ी अच्छी सी मूर्ति है उसको दिखाएंगे आप। दोस्तों पीछे देखा आपने शिव मंदिर था, अब यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, ये देखिए पिछली वीडियो में देखा होगा आपने मैंने बनाया था, ये रहा
हनुमान जी का मंदिर। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहाँ से हम लोग जाने वाले दोस्तों के पास जल्दी से, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शाम को दूसरा ब्लॉग करेंगे, उसमें आपको डीजे से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग के में, तब के लिए बाय बाय।